गुरुग्राम पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय लूट गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहे इन लुटेरे बदमाशों पर दर्जनों लूट की वारदातों को अंजाम देने का आरोप है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ अकेले साइबर सिटी गुरुग्राम में 20 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जो योजनाबद्ध तरीके से लिफ्ट दे सवारियों से लूट की वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस की माने तो ये लुटेरा गैंग दिल्ली, यूपी, राजस्थान और हरियाणा में दर्जनों वारदातों को अंजाम दे चुका है और बीते कुछ दिनों में 20 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दे चुका है। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पिछले काफी समय से गुड़गांव में एक गिरोह सक्रिय था, जो विभिन्न जगह से, खासकर राजीव चौक, इफको चौक, सिकंदरपुर, इस तरह की जगह से सवारियों के रूप में लोगों को अपनी गाड़ी में बिठा लेते थे दिल्ली जाने के लिए या दूसरे डेस्टिनेशन के लिए, और बैठने के बाद उनको काबू करके उनकी तलाशी लेके हथियारों के बल पे उनके साथ लूटपाट करते थे। उनसे जो भी सामान, ज्वेलरी, कैश मिलता था उसको लूट के लेने के बाद उनको गाड़ी से फेंक जाते थे। इस तरह की कम से कम 20 वारदातों को अंजाम देने वाला ग्रुप हमने आज अरेस्ट किया है, और इनकी पूछताछ में इन्होंने माना है कि हम 2016 से सक्रिय हैं इस काम में, और पहले ये जयपुर, राजस्थान में भी पकड़े जा चुके हैं और यूपी में भी पकड़े गए थे, लेकिन हरियाणा में कभी इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। ये लगातार हरियाणा, राजस्थान, यूपी और दिल्ली, यहाँ पे वारदात को अंजाम दे रहे थे। हमने इनको गिरफ्तार किया है, और अभी जो पिछली 3 दिन पहले एक 9 जुलाई को वारदात हुई थी, जिसमें एक कंपनी का सेल्समैन था और वो यहाँ राजीव चौक से एक गाड़ी में, वो ब्रेजा गाड़ी थी, उसमें सवार हुआ दिल्ली जाने के लिए, और उसको काबू करके इन्होंने और हथियार के बल पे उससे छीना झपटी करके उसकी डायमंड की अंगूठी और चेन उनको लूट के, और जो उसको रास्ते में छोड़ के और वो भाग गए थे, जिसके संबंध में केस दर्ज हुआ और इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। हमारी क्राइम टीम सेक्टर 17 ने बड़ा उम्दा काम करते हुए, इतने दिनों से जो ये सक्रिय था गिरोह, इन्होंने एक एक दिन में 2-2 बार भी वारदात की है, उनको इस मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारी की माने तो क्राइम यूनिट पालम विहार की टीम द्वारा पकड़े 3 आरोपी रात के अंधेरे में नहीं, बल्कि दिन दहाड़े शहर के अति व्यस्त चौक चौराहों पर खड़ी सवारियों को योजनाबद्ध तरीके से गाड़ी में लिफ्ट देते और मौका पाते ही सवारियों के कीमती सामान को लूट, उन्हें चलती गाड़ी से फेंक जैसी वारदातों को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाते थे, जिन्होंने कई महीनों से पुलिस की नाक में दम किया हुआ था, और ये 2016 से सक्रिय गैंग दिल्ली NCR में कई लूट की वारदातों को अंजाम दे चुका है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान राजस्थान के रहने वाले मोहन, सुरेंद्र और नरेश के रूप में हुई, जिनको बवाल इलाके से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है और इनकी क्राइम कुंडली को खंगाला जा रहा है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।